गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल माई डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ रंजन कुमार वर्मा। और आज हम आप लोगों को इनकैप्सुलेशन के बारे में बताएंगे, जो कि एक जावा में एक टॉपिक है। और इनकैप्सुलेशन के बारे में जानने से पहले हम जावा का हिस्ट्री और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेंगे ब्रीफ में, ताकि इनकैप्सुलेशन को समझने में आसान हो हम लोग को। आगे बढ़ें। हिस्ट्री ऑफ जावा, जावा को डेवलप किया है जेम्स गॉसलिंग, और उसको फादर ऑफ जावा भी कह सकते हैं। और ये डेवलप किया गया है 1995 में। पहले जावा का नाम जो है वो ऑक रखा गया था एक ट्री के नाम पे। जब जावा के डेवलपर को पता चला कि उस ऑक नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उसका नाम चेंज करके जावा रख दिया गया। और जावा जो कंपनी है वो सब्सिडरी ऑफ ओरेकल का। सब्सिडरी मतलब बोल सकते हैं कि कोई एक बड़ा कंपनी है, उसी का एक छोटा सा पेरेंट कंपनी, चाइल्ड कंपनी, उसी तरह सब्सिडरी है ओरेकल का जावा। आगे बढ़ा। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ जावा देखते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब ये होता है कि जिसमें हम जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जावा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और जावा को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो JRE है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि हम अपने किसी भी PC में डाल सकते हैं। और ये हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। हाई लेवल में इस तरह है बिकॉज ऑफ इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करते हैं, इसको समझना आसान है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में टाइप्स आते हैं इसके, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, और एक है पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें से मेरा टॉपिक जो है वो इनकैप्सुलेशन है। पीछे जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिकॉज जावा एक सिक्योर इसलिए इस टाइप में है कि ये जो प्रोग्राम को रन करता है वो वन बाय वन स्टेप में रन करता है। और बस इतना, आगे करें। जावा का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जावा का यूज़ हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं डेस्कटॉप में, एक्रोबैट रीडर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, वो सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और हम उसको वेब एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस मतलब हो गया वेबसाइट्स, जैसे कि IRCTC का वेबसाइट है, जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है जो कि जितने भी टेक्नोलॉजी फील्ड में है वो C++, जावा, कोबॉल, ये सब लैंग्वेज के बारे में उसमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। और एक इंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस है जो कि बैंकिंग के लिए यूज़ होता है, ये बहुत ही बड़े एरिया के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम इसको मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें भी जावा का यूज़ हुआ है। स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स, जैसे कि अभी AI का मेटा चल रहा है जिसको हम मेटावर्स के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें भी हम जावा का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली उसमें पाइथन यूज़ किया जाता है बिकॉज वो मशीन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है। गेम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो गेम्स बनाते हैं, वीडियो गेम्स चाहे वो 2D हो या 3D। 2D में जैसे कि मारियो एक गेम है, और अभी PUBG और BGMI जो है ट्रेंडिंग में रहता था, जो कि अभी बैन है, उसमें भी हम जावा का यूज़ कर सकते हैं बहुत जगह पे। ये फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा है। जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम अभी बताए थे थोड़ा देर पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें क्लास का यूज़ करते, तो यहाँ पे क्लास का यूज़ किया गया है। उसके बाद हेलो वर्ल्ड जो है वो क्लास का नाम है एक जो हम दिए हैं, वहाँ नाम हम कुछ भी रख सकते हैं उसको हेलो वर्ल्ड के जगह। उसके बाद एक ये फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन को इनिशियलाइज़ करता है कि जावा में यहाँ से फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और ये जो system.out.println का यूज़ किए हैं वो सिंपली जो है वो कुछ भी चीज़ प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
कुछ भी मैसेज यहाँ की हेलो वर्ल्ड हम दिए, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो प्रिंट करेगा आउटपुट में, वही प्रिंट करेगा। अब इनकैप्सुलेशन को, उसका डेफिनेशन समझने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। इनकैप्सुलेशन का ये, आप लोग ऐसा कैप्सूल देखे होंगे जो कि मेडिसिन कंटेन करता है अपने अंदर बहुत सारे टाइप्स का, उसमें से जो मेडिसिन होता है उसको हम वेरिएबल और मेथड से देखेंगे। ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो किसी भी डाटा टाइप को रखता है। यस सर। वेरिएबल ये है जो डाटा टाइप को कंटेन करता है, जैसे कि इंटीजर डाटा टाइप। अब इंटीजर डाटा टाइप वो वैल्यू कंटेन करता है जो नंबरल में रहता है, नंबर 1, 2, 3, 4 इस टाइप में। और एक मेथड है, मेथड को हम यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ को कॉल करने के लिए, और हम एक प्रोग्राम में बहुत सारे मेथड बना सकते हैं। और ये जो बाहर का कैप्सूल्स ये दिख रहा है, उसको हम क्लास लेनी है, क्योंकि क्लास के अंदर ही वेरिएबल और मेथड स्टोर रहता है, उसी के अंदर लिख सकते हैं। और एक और एग्जांपल है स्कूल बैग। स्कूल बैग के अंदर कॉपीज, पेंसिल्स वगैरह रखते हैं, वो सब पेंसिल को आप वेरिएबल मान सकते हैं या कॉपीज कॉपी को, और उसी तरह इंटरचेंज करके उसको मेथड भी मान सकते हैं। हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट का बुक वगैरह सब। अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन का ओरिजिनल डेफिनेशन इन टेक्नोलॉजी फील्ड में, उसका डेफिनेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन इन जावा इज द प्रोसेस बाय विच डाटा वेरिएबल्स एंड द कोड दैट एक्ट अपॉन देम मेथड आर इंटीग्रेटेड एज अ सिंगल यूनिट। बाय इनकैप्सुलेटिंग अ क्लास वेरिएबल अदर क्लास कैन नॉट एक्सेस देम एंड ओनली द मेथड्स ऑफ द क्लास कैन एक्सेस देम। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल हम पिछले में बताए थे, पिछले स्लाइड में, वेरिएबल और मेथड, वो सब जो है इनकैप्सुलेशन अपने क्लास के अंदर रखता है, और उसको सब सिंगल यूनिट में, मतलब कि एक ही क्लास में वो रखता है, और उसको हम अनदर क्लास से चाहे तो ये एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि एक क्लास बनाए हैं और उसमें अगर हम मेथड और वेरिएबल डिफाइन किए हैं तो उसको दूसरे क्लास से हम ये क्या बोलते वो नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इनकैप्सुलेशन जो एक तरह से डाटा हाइडिंग का भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि उसको हम दूसरे जगह से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और इसमें इनकैप्सुलेशन को एक्सेस करने के लिए हमको जो वेरिएबल है वो प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ता है, और उसके बाद हम उसमें मेथड लगाते हैं, सेटर एंड गेटर मेथड यूज़ करते हैं, जिसके वजह जिसके थ्रू हम वो वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये है गेटर एंड सेटर मेथड। जो गेटर मेथड होता है वो वेरिएबल को रिटर्न करता है, मतलब कि वो वेरिएबल को प्रिंट करने में काम आता है, और जो सेटर मेथड होता है उसको वो वैल्यू सेट करने में काम आता है। जैसे कि वेरिएबल है, वेरिएबल को कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना है, जैसे कि इंट टाइप का वेरिएबल है तो उसमें हमको अपना रोल नंबर इनिशियलाइज करना है 3 या 21026 इस तरह, तो वो सेटर मेथड हमको उसमें हेल्प करता है उसको इनिशियलाइज करने में। अब इसमें से हम देख सकते हैं एक एग्जांपल ये है, इसमें क्लास नाम का एक क्लास जो है वो ह्यूमन बींग नाम से बनाए हैं, और प्राइवेट में हाइट लिए हैं, प्राइवेट में हाइट ये वेरिएबल्स हैं, और ये पब्लिक जो लिए हैं ये मेथड है। मेथड को एक्सेस करने के लिए हमको पब्लिक का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम कोई और भी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह एक और है वेट का, BMI इस तरह करके है। आगे इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम है ये। इनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो पहले एक क्लास बनाए पर्सन नाम का, उसके बाद जैसे कि हम आपको बताएं वेरिएबल जो है प्राइवेट में डिक्लेयर करना पड़ता है। प्राइवेट में हम वेरिएबल डिक्लेयर किए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है जो सिर्फ जो नाम को कैरी करता है, मतलब कि ABCD वर्ड कैरेक्टर इस तरह को वो कैरी करता है। और एक इंट डाटा टाइप नहीं है, रोल नंबर जो नंबर से रखता है। उसके बाद मेथड बनाए पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। जैसे कि हम आपको पिछले स्लाइड में बताए थे कि गेट जो है वो
कुछ भी चीज़ प्रिंट करने में, मतलब रिटर्न करने में काम आता है। तो उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक में इनिशियलाइज़ किए ताकि हम उसको दूसरे में एक्सेस कर सकें, यूज़ कर सकें। रिटर्न नेम दिए, बिकॉज हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किए हैं, वहाँ वॉइड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वॉइड जो है वो रिटर्न टाइप नहीं रखता है, कैरी नहीं करता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। स्ट्रिंग यूज़ किए बिकॉज ऑफ ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप को रिटर्न देगा हमको। तो रिटर्न नेम यहाँ पे वेरिएबल का नाम है जो कि सेम लिखे हैं। उसके बाद दूसरा मेथड यूज डाले हैं पब्लिक वॉइड सेट नेम, जैसे कि आप पिछले स्लाइड में बताए थे सेटर मेथड, तो यहाँ पे सेट नेम जो लिखे हैं वो वेरिएबल का वैल्यू सेट करने में हमको हेल्प कर रहा है, और उसमें एक आर्गुमेंट पास किए स्ट्रिंग नेम, ताकि वो जो है वो नेम में जो वेरिएबल बनाए हैं नेम के अंदर वो कैरी करे, जो चीज़ वैल्यू हम दे रहे हैं उसको वो नेम के अंदर रखे। और यहाँ पे हम एक और चीज़ का यूज़ किए हैं दिस डॉट नेम। दिस एक कीवर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं जब वेरिएबल नेम दोनों जगह सेम हो, इनिशियलाइज में और क्या बोलते हैं क्या बोले सर, दिस कीवर्ड का यूज़ करते बिकॉज ऑफ उसको पता चले, मेरे कंपाइलर को पता चले कि जो हम इनिशियलाइज किए ऊपर में पहला वेरिएबल ग्लोबल और जो इंस्टेंस वेरिएबल प्रोवाइड किए उस दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में दिस वेरिएबल का यूज़ होता है। उसी तरह हम दूसरा एक गेट रोल बनाए, ये जो सेकंड वेरिएबल बनाए हैं इंट, उसी के लिए हम एक मेथड बनाए हैं गेट रोल, ताकि वो रोल नंबर को रिटर्न करे, और सेट रोल बनाए हैं ताकि वो रोल नंबर को सेट करे, और उसमें भी दिस का यूज़ किए हैं, दिस कीवर्ड का। अब ये जो मेरा है ये मेन क्लास है, मेन क्लास जो है हम जैसे कि पिछले स्लाइड में बताए थे मेन क्लास जो है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब हम इसमें ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी काम कर सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाए हैं, क्लास का। हम मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और क्लास का हम जितना चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाए, फिर सेट नेम, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको हम सेट किए हैं मेथड में, जो यहाँ पे हम ये पास करवाए हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट जो पास करवाए हैं उसमें हम अपने आउटपुट सेट किए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें हम आउटपुट सेट किए हैं, उसको दिए हैं। उसी तरह दूसरे में भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं सेट रोल का, ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, मतलब कि ऑब्जेक्ट से उसको कॉल किए हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें जितने सारे मेथड हैं उन सबको कॉल कर सकते हैं हम उसका ऑब्जेक्ट नाम से, तो उसी से हम यहाँ पे उसका वैल्यू सेट किए हैं रोल नंबर का। देन उसके बाद सिंपली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से नाम और रोल नंबर को प्रिंट करवा दिए हैं, और मेरा उसको नाम और रोल नंबर को कॉल करने के लिए वो प्रिंट करेगा, उसके लिए हमको एक क्लास का नाम और मेथड का नाम देना पड़ता है जिससे कि वो वैल्यू को रिटर्न करे और वो प्रिंट करे। आउटपुट मेरा देख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे रंजन दिए उसको वेरिएबल, वो रंजन प्रिंट किया, रोल नंबर 21021 दिए, 21021 प्रिंट किया। वाई इनकैप्सुलेशन, हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज़ क्यों करते हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ क्लास एंड क्लास एट्रीब्यूट एंड मेथड। इसमें जो है वो क्लास एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, उस जैसे कि प्राइवेट में रहता है तो उसको दूसरे क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हैं, मेथड के थ्रू यूज़ करते हैं उसको। और इसमें एक ये भी फीचर है
कोई भी क्लास को हम या तो उसको रीड ओनली बना सकते हैं या राइट ओनली। रीड ओनली मतलब हो गया कुछ भी चीज़ को देता है वो, जैसे कि प्रिंट किया, गेट मेथड से वो प्रिंट किया तो उसको रीड ओनली बोल सकते हैं। राइट ओनली ये हो सकता, ये होता है जैसे कि आप कुछ वैल्यू उसको दिए लेकिन वो आपको शो नहीं करेगा, इस तरह हम इसको रीड ओनली और राइट ओनली बना सकते हैं। फ्लैक्सीबिलिटी, ये फ्लैक्सीबल भी है क्योंकि हम इसको अगर एक मेथड को चेंज करें तो बिना उस किसी को डिस्टर्ब किए, दूसरे मेथड को डिस्टर्ब किए हम उस मेथड को आराम से चेंज कर सकते हैं, या तो अगर फिर बाद में हमको दूसरा चीज़ का ज़रूरत पड़ा तो हम वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा, इसमें जो है डाटा का सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ हम किसी भी वेरिएबल को दूसरे क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन, पहला एडवांटेज है डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग जैसे कि पिछला स्लाइड में हम बताएं दूसरे क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में वो एब्स्ट्रैक्शन में दो टाइप है, एक एब्स्ट्रैक्शन और एक इंस्टेंस। इंस्टेंस जो है वो 100% डाटा हाइडिंग के लिए यूज़ होता है, एब्स्ट्रैक्शन में हम 0 to 100% डाटा हाइड कर सकते हैं। इसमें डाटा हाइडिंग इस प्रकार से अचीव होता है, इसमें जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर कहते हैं हम वेरिएबल को। इंटरफेस ये इसमें हम इनकैप्सुलेशन में डाटा हाइडिंग अचीव कर सकते हैं बिकॉज इसमें जो है वो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इसमें सिर्फ इनकैप्सुलेशन में यूज़र को यही दिखेगा कि हम उससे मेथड उससे कुछ भी वेरिएबल ले रहे हैं और उसको आउटपुट हम दे रहे हैं, बस इतना ही उसको दिखेगा। इंक्रीज फ्लैक्सीबिलिटी, जैसे कि पिछले स्लाइड में ही हम बताएं कि इसमें हम ये या तो सिर्फ देख सकते हैं, इस तरह भी प्रोग्राम को बना सकते हैं कि कोई उसको सिर्फ रीड करे और कोई उसको राइट करे। जैसे कि हम यूज़र हैं और हम अपना कुछ डाटा इंटर किए यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए, तो हम सिर्फ इंटर कर सकते हैं, उसको दोबारा देखने के लिए हमको दूसरे जगह से लॉगिन करना पड़ता है। जहाँ पे यूनिवर्सिटी का डाटाबेस है वहाँ से वो डाटा को ये करके देता है निकाल के। और रीड ओनली जो है यूनिवर्सिटी जो है हमारे डाटा को उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता है, वो हम जो इंटर किए डाटा अपना मार्क्स वगैरह 10th 12th का मार्क्स नेम फादर नेम उसमें वो कुछ एडिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ देख सकता है। रीयूजिबिलिटी मतलब एक ही कोड को दोबारा रीयूज़ करना, जैसे कि अगर कुछ फीचर है हमको एक एग्जांपल लेते हैं कार का, BMW कार का एक एग्जांपल लेते हैं और एक फरारी कार का। BMW कार का टायर जो है वो बहुत बढ़िया है, उसको हमको फरारी में यूज़ करना है, तो हम उसका एक पूरा कोड लिखने छोड़ के उसका सिर्फ एक मेथड को उठा के हम फरारी में डाल देंगे तो वो जितना भी उसका फीचर है वो सारा फरारी में आ जाएगा, उसका टायर का जो फीचर है या फिर उसका इंजन का फीचर चाहिए तो उससे हम कोड रीयूजिबिलिटी का ये यूज़ होता है। टेस्टिंग कोड इज़ ईजी मतलब हो गया कि कुछ भी कोड हम लिखते तो उसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनकैप्सुलेशन में हम हर एक कोड को छोटा छोटा करके लिख सकते बिकॉज हम इसमें मेथड का यूज़ किया जाता है। दूसरा, हम जितना क्लास हम बनाएंगे उस कोड को हम बनाते टाइम ही टेस्ट कर सकते कि वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है या उसमें कुछ एरर है। आगे बढ़ो। थैंक यू सर। इनकैप्सुलेशन में डाटा को सिंगल यूनिट में कंबाइन करके इनकैप्सुलेशन वो फीचर प्रोवाइड करता है, इसको हम कंबाइन करके इसलिए रखते ताकि ये दूसरे क्लास में हम यूज़ नहीं कर पाए। ये एक डाटा हाइडिंग का भी फीचर प्रोवाइड करता है, अभी हम स्लाइड बताते टाइम बता रहे थे कि ये डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट भी रखता है, ठीक है, तो वो कंबाइन करके रखता है। इसका ये फीचर है जो कि इनबिल्ट आता है।
डॉट नहीं, क्योंकि हम डाट वेरिएबल जो है इसमें प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, और प्राइवेट जो डिक्लेयर करते हैं वो दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी अभी तो नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एडवांटेज देख के आए हैं। सर कुछ डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज है कि सिक्योरिटी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। जो तुम उसको जो प्रोटेक्ट कर रखोगे जैसा चाहोगे डेटा एक्सेस होगा नहीं तुमसे, वो तुम सिक्योरिटी के पर्पस से डेटा एक्सेस कर सकते हो। रिक्वेस्टिंग जैसे तुम अभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो क्या रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट डाउनलोड और रिक्वेस्ट टू अप्लाई और रिक्वेस्ट टू यूज, बट जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो हर बार देखोगे कि ये तुम्हारा कभी कभी गूगल बोलता होगा तब जो वो डेटा ही नहीं एक्सेस करने कि इसमें वायरस हो सकता है, तो ये चीज वो फॉर्म करता है कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। और जो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसको फ्रिक्वेंटली यूज करता है उसको एक्सेस नहीं दिया है, उसको इजीली डाउनलोड करते हो, उसको इजीली यूज करते हो, इसलिए कैलकुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो फ्रिक्वेंटली यूज करने नहीं देता, और इसमें सिक्योर डेटा ही यूज होता है। Yes. नहीं, वो गेटर एंड सेटर मेथड जो है इसमें इनबिल्ट इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन में इनबिल्ट आता है गेटर और सेटर मेथड, तो हम उसी का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जावा का एक और एप्लीकेशन आता है जावा डेवलपमेंट किट, जिसका अभी हाँ JDK आता है डेवलपमेंट किट, और उसका प्रॉपर यूज़ तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को अच्छे से रन करने में काम आता है, जैसे कि जिसमें जावा ग्राफिक्स का यूज़ हुआ होगा उसको रन करने में।